पास है एक मोटा शख्स और एक है पतला शख्स। तो कभी ऐसा हुआ है कि मोटे शख्स का जो वजन है वो किलोग्राम्स में आ जाए, जो पतले शख्स का वजन है वो लीटर में आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि दोनों का वजन ही है, दोनों का हम वेट ही मेजर कर रहे हैं, दोनों का हम मैस ही मेजर कर रहे हैं। तो हम उसको जो मर्जी नाम दे दें, हम उसको किलोग्राम में ले लें, हम उसको ग्राम में ले लें, इस तरह, लेकिन मैस उसका मैस ही रहेगा। हम नाम चेंज करने से मैस को चेंज नहीं कर सकते। सेम केस है इस केस में कि फॉर्मूला मैस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस, तो दोनों सिर्फ नाम का फर्क है, चीज सेम है। चीज क्या सेम है जी? दोनों में हम यूज क्या कर रहे हैं? मैस। तो हम मैस किस चीज का निकाल रहे हैं? इस केस में मॉलिक्यूलर केस, मॉलिक्यूलर मैस में हम जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका मैस और जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका, इस केस में जो मैस निकालेंगे उसे हम कहेंगे फॉर्मूला मैस। बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम रसूल और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मैस और फॉर्मूला मैस के ऊपर, कि मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, फॉर्मूला मैस क्या होता है, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं कि बहुत कोई कंसेप्चुअल डिफरेंस हो, सिर्फ नाम का फर्क है। नाम का फर्क कैसे है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस, मॉलिक्यूलर मैस जो है हमारे पास वो है मैस ऑफ अ मॉलिक्यूल, और जो दूसरी तरफ हमारे पास है फॉर्मूला मैस वो है मैस ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट। अगर आपको अभी तक फॉर्मूला यूनिट नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो से देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दी। तो फॉर्मूला यूनिट मैं फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि फॉर्मूला यूनिट क्या होता है जी, फॉर्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो है फॉर्मूला ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड। तो सिर्फ इस चीज का फर्क है कि जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका जो एंड फॉर्मूला होता है उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है आयोनिक कंपाउंड्स का, आयोनिक कंपाउंड्स कौन से जिनमें आयोनिक बॉन्ड है, तो उनके फॉर्मूला को जो हम कहेंगे उनको हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट, और जब हम उसका मैस कैलकुलेट करेंगे हम उसको कहेंगे फॉर्मूला मैस, और जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जब हम मैस कैलकुलेट करेंगे हम उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस। तो दोनों का मेथड सेम है, नाम डिफरेंट है, हमें बस ये याद रखना है कि जब भी आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसका फॉर्मूला मैस होगा, और जब भी कोवलेंट कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर मैस होगा। होप सो आपको समझ गया होगा, बहुत इजी टॉपिक था। इसी तरह इजी इजी लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह आगे को भी देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।